तो जो ये अब इंडियन सिनेमा बंद हुआ है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और ये फियर भी है, लेकिन हम फियर को भी अगर अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो ये काम होगा। हेलो एवरीवन, अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर की वजह से पिछले 6 सालों से पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के इलेक्शंस नहीं हो पाए और PFPA ऑलमोस्ट इनएक्टिव थी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि रिसेंटली PFPA के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान की लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IMGC के चेयरमैन अमजद रशीद साहब को PFPA का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। लेकिन EPK ने हस्ब रिवायत अमजद रशीद साहब के चेयरमैन इलेक्ट होने की खबर PFPA की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से भी पहले 7 सितंबर को दे दी थी। चेयरमैन के साथ साथ PFPA की 12 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी इलेक्शन हुए और बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तानी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की हाईली एक्टिव और टॉप लेवल पर्सनालिटीज इलेक्ट हुई हैं। गुज़िश्ता रोज PFPA का पहला इजलास हुआ जहां न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन अमजद रशीद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। प्रैक्टिकली मैंने इस इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि इंडिया के बाद मैं 12 फिल्में कम से कम साल में डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस करूँगा। 5 फिल्में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें जैसा कि प्रेस क्लीम साहब ने कहा है, कंटेंट पे बैठे हुए हैं कि कौन सी फिल्म के कंटेंट फाइनल होते हैं वो पहले कर लेते हैं। एक फिल्म पंजाबी बनाएंगे यहाँ पे क्योंकि मेरा घर है और मेरी कमिटमेंट है। बाकी 6-7 फिल्में में से 2-3 फिल्में हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर चुके हैं, शर्मा साहब की कर चुके हैं तो और 2-3 कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगर 12 का टारगेट है तो 12 से ज़्यादा करूँगा। इस मौके पर पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद ने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की। सबको आदत है, हमारे अपने हमें खुद भी आदत है कि हम इंडिया की फिल्में जाते हैं अपने सिनेमाज में देखते थे और साथ साथ में एक पाकिस्तानी फिल्म भी हम देख लेते थे, हम भी हमारे बच्चे भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं। तो जो ये अब इंडियन सिनेमा बंद हुआ है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और ये फियर भी है, लेकिन हम फियर को भी अगर अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो ये काम होगा। जो पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं एटलीस्ट अगर वो ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वरीसम सिचुएशन है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो पैसा वापस आएगा वो दोबारा रोल होके नई फिल्म में नहीं लगाया जाएगा और सब डरेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैशन के साथ साथ ये बिज़नेस भी है। तो सबसे पहले तो हमें इस बिज़नेस की वायबिलिटी बनानी है और इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम सबको ये भी देखना है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी और कामयाबी की डेफिनेशंस को थोड़ा सा चेंज करें। इस वक्त हमको फिल्में बनाती रहनी है और फिल्में लार्ज नंबर्स में हमें सिनेमाज़ को देनी है। जब तक ये नहीं होगा मजीद सिनेमा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर वायबिलिटी नहीं होंगी, जो स्क्रीन्स हैं अगर वो भी कह रहे हैं कि हम 4 स्क्रीनें शट कर देंगे और 2 स्क्रीन्स लगाएंगे और 4 नहीं लगाएंगे, तो नए लोग तो आएंगे ही नहीं सिनेमाज लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो है हमको वायबल करना है। अभी तो वही वायबल नहीं है, वो भी वायबल तभी होंगी जब हम अब लो कॉस्ट में बना सकेंगे। और इंशाल्लाह अमजद साहब के साथ मिलके और सब एग्जीक्यूटिव बॉडी और आप सबके साथ मिलके कोशिश पूरी होगी कि जितना हम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो हम सब सर्वाइव करेंगे, हमारा आर्ट क्रिएटिविटी सर्वाइव करेगी, नहीं तो हम सब के लिए डिप्रेसिंग माहौल है। तो हम सब ने मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। मोमना दुरैद और अमजद रशीद साहब जैसी शख्सियत एक अच्छे और नए विजन के साथ सामने आई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्रुप बंदी और जाती मफाद को एक साइड पर रखकर पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी इनको सपोर्ट कर रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सालों पुराने इश्यूज हल होने की कोई सूरत जरूर पैदा होगी। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।